अस्सलाम वालेकुम टिप्स टाइम के तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से खुश आमदी। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा बताने लगा हूँ, सूरत अंजाल वाले जो हजरात हैं जिन्हें सूरत अंजाल का जरियान का बहुत ही ज़्यादा मसला रहता है, मादा इसी तरह बह जाता है, पतला पानी बिल्कुल बन गया है, मादे में जान नहीं रही, मादा इतना पतला हो चुका है कि जैसे आप बेगम के पास जाने लगते हैं वो साथ ही आपका निकल आता है, आपके अजू में सख्ती नहीं रही, तंदी नहीं रही। तो आज ये नुस्खा मैं जो बताने लगा हूँ आपने बड़े गौर से सुनना है। यकीन जाने दो चीजें हैं, बहुत ही सादा और आसान है, आपके घर में मौजूद हैं, आपने वो लेनी है किचन से उठाकर आपने ये इस्तेमाल कर लेनी है। यकीन जाने सिर्फ ताजे पानी के साथ आपने इसे इस्तेमाल करना है, याद रहे पानी ताजा होना चाहिए, बाकी इंशाल्लाह बहुत ही ज्यादा आफाका होगा। मैं आपको इसके बारे में अगर बताना शुरू करूँ तो यकीन जाने की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं बहुत कम टाइम में आपके हवाले बहुत बड़ा नुस्खा करने लगा हूँ। सिर्फ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि टिप्स टाइम के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही जबरदस्त नुस्खे आप तक बर वक्त पहुंचते रहें और कोई भी नुस्खा आप मिस न कर सकें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये उन लोगों तक पहुँच सके जो अपनी बीमारी किसी को बता नहीं सकते शर्मिंदगी की वजह से, तो अगर वो कहेंगे तो वो इससे मुस्तफीद होंगे। सदका जारिया समझ के इसको शेयर करें। दोस्तों आइए फिर नुस्खे का बाकायदा आगाज करता हूँ। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सकमोनिया लेना है, सकमोनिया आपने एक तोला लेना है। दूसरे नंबर पे जो चीज आपने लेनी है वो है जीरा सफेद, जीरा सफेद आपने 7 तोला लेना है। अब आपने क्या करना है, दोनों को अच्छे तरीके से खड़ल करना है। खड़ल करने के बाद सफूफ बनाने के बाद आपने 4 रतीता 1 माशा हमरा ताजा पानी के आपने इसको इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह एसाबी है, गदी है, कब्ज, कुशाई, मदरबोल, दाफे, सोजिश, गुर्दा, मसाना दूर करके सूरत अंजाल को रोकता है, बवसीरे, खूनी और यरकान के लिए भी बहुत ही मुफीद है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप इसको जरूर इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कम पैसों में ये मिलने वाला नुस्खा है। मुझे अब दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ दोस्तों कल इसी तरह के नए और बेहतरीन नुस्खे के साथ। दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय।